गोविंदा गोविंदा, ये हमारा सेकेंड डे है तिरुपति में। देखिए मॉर्निंग का व्यू है, जो हम लोग घर से निकले हैं मैं एंड मेरी हस्बैंड अलीपुरी मटली की तरफ से तिरुमला की तरफ हम लोग स्टेप में जाएंगे। उस टाइम देखिए रोड का व्यू कैसा है, पूरा फॉग है रोड में, रोड भी नहीं दिख रही है, आप लोग देख सकते हो। ये वो गेट है जहाँ से शुरू होती है अलीपुरी मटली का रोड, जहाँ से आप स्टेप देखे तिरुमला के लिए आप निकलेंगे। 3500 से एबव स्टेप से आपको आप यहाँ एक गेट सब एंटर करेंगे, राइट साइड में जो आएगी बाई वॉक आपको बाई स्टेप में जाना पड़ेगा। देखिए मेरे हस्बैंड पहले जा रहे हैं, हम वैसे हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि हमको तो जाना है आज। जैसे कि मैंने आप लोग को बताई दो दिन एक दिन में दो बार मेरे हस्बैंड ने कवर किए 2 times इसके बाई स्टेप में, जो उनको पहले से मनोकामना था। तो मैंने सोची नेक्स्ट डे मैं भी उनके साथ में चलती हूँ भगवान का नाम लेकर कि मैं जाके पहुँच जाऊँगी। हाय, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది అలిపిరి, ఇది ఇక్కడ నుంచి మనం తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్సిమేట్ 10 kilometers ఉంటుంది. దగ్గర దగ్గర ఫస్ట్ చుక్కల పర్వతం ఉంటుంది, లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఓకల పర్వతం ఉంటుంది. ఈ రెండు చాలా టఫ్గా ఉంటాయి. సో వెళ్దాం చూద్దాం మనం ఎంతవరకు వెళ్దాం, అన్ని వేడుకొండలు ఏంటమ్మా గోవిందా గోవిందా. फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल में स्निग्धा, आप सबको स्वागत करती हूँ आपके आपकी चैनल स्निग्धा डायरी में। आज हमारा तिरुपति में सेकंड डे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि day 1, day 2, day 3 करके मैं तिरुपति का पूरा ट्रिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेकंड डे में मैं और मेरे हस्बैंड आके पहुंच गए अलीपुरी मिट्टी में, जो आज हम लोग स्टेप में जाएंगे भगवान के पास। जैसे कि आप लोगों को बताई थी 3500 से अबव से ज़्यादा स्टेप है जो स्टेप हमको कवर करनी है। हम लोग घर से 7 o'clock से शुरू किए थे, यहाँ बसेस में RTC बसेस लेकर फिर यहाँ हमको अलीपुरी मिट्टी आना पड़ा। यहाँ से फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारा जर्नी। पता नहीं स्टेप चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत दिल में तो है कि हाँ हम जा सकते, ये सोच कर रहे। सास ससुर सब लोग मना कर रहे थे, नहीं नहीं चढ़ सकते इतना ज़्यादा स्टेप है। लेकिन हम लोग पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि शिवारी मेटली की तरफ से जाने के लिए, लेकिन अभी वो बंद है। उसी में आप लोगों को बताया कि शिवारी मेटली की तरफ से हमारा प्लानिंग था एंड वहाँ का जो स्टेप है 2388 स्टेप से वहाँ जाने के लिए आपको कम टाइम लगेगा। आप देखिए लेकिन यहाँ अलीपुर मेटली जहाँ से हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारे स्टेप से भगवान के पास जाना, यहाँ पे आपको 3500 स्टेप अप्रोक्सीमेटली 9 kilometers से 3 to 4 hours लगता है। मेरे हस्बैंड उसको 3 hours में कवर कर लिए, कल उनको 2 बार हो गई, आज उनको 1 बार जाना है, इसलिए मैं सोचा मैं भी उनके बाद 1 बार जाऊँ। बोला था कि जिसके मन में जो इस होता है वो अपने दिल में रखकर हम लोग भगवान के पास जाते हैं कि अपना मनस्कामना पूर्ण हो जाए, किसी जिसके दिल में जो है। तो वह सोचकर मैं आई हूँ कि कोशिश करती हूँ, कितना बजे पहुँचेंगे पता नहीं, क्योंकि अगर वो जाते 3 घंटे में तो मैं कोशिश करती हूँ 5 घंटे में हम लोग पहुँच जाए। एंड कोई कोई लोग हैं यहाँ पे, मैं देखी हूँ हल्दी कुमकुम लगा कर भी स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे जिसके दिल में जो मनस्कामना रहता है वो हल्दी कुमकुम लेके कर्पूर डाल के भी यहाँ पे स्टेप से जाते हैं। अभी शिवारी मेटली की तरफ से जैसे कि अब हम लोग का पहले मैं बताई कि यहाँ पे आपको कम टाइम लगेगी, लेकिन वहाँ पे अभी बंद है, नहीं तो वहाँ से आपको कम टाइम लगता है क्योंकि वहाँ के स्टेप्स कम है। लेकिन आप कंपेयर टू अलीपुरी मेटली शिवारी मेटली का जो स्टेप्स है उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, टाइम कम लगता है लेकिन हाइट ज़्यादा है, जिसके आपको चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अलीपुरी मेटली पर आप इजीली चढ़ सकते हो जो बोला जाता है, वो तो हमको पता नहीं, जाने के बाद मालूम पड़ेगी कैसा रहेगा। एंड रोड की जो ट्रिप रहेगी रोड में मैं आपको स्टेप्स में ऊपर पहुँचने के बाद दिखाती हूँ वहाँ पर रोड में क्या रहती है, वो सब भी आपको कवर करके दिखाऊंगी। बने रही मेरे साथ। जहाँ पर मैं 1200 से अबव स्टेप क्रॉस कर चुकी हूँ,
लेगा जो 1,200-1,300 स्टेप्स रहेगा वो थोड़ा मुश्किल रहेगी आपको जाने के लिए। उसके बाद आपको स्टेप्स थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगी, जिससे कि आप उसको कवर कर सकते हो। 4-5 स्टेप्स के बाद थोड़ा आपको प्लेस मिलेगी, लेकिन पहले का जो है आपको प्लेस नहीं, आपको स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प की तो मैं यहाँ तक आ गई। देखते हैं गोविंदा गोविंदा कि आगे को क्या होती है, कितना जल्दी हमने क्रॉस कर चुके हैं। फाइनली हम आके पहुंच गए। 4 घंटा लगा हमको, एक्सप्रेस नहीं थे, 5 घंटा हम लोग पकड़ के चल रहे थे, लेकिन 4 घंटा में हम आकर पहुंच गए। बीच में टी कॉफी ये सब वगैरह बिस्किट वगैरह लिए, एंड इसके लिए थोड़ा आधा घंटा तो पकड़े, 3.5 आवर्स में हम पहुंच सकते। ऐसा नहीं कि हम नहीं आ सकते। दूसरी बात मैं एक बार जरूर बोलूँगी, जैसे कि जिसको बीपी का है, किसी अस्थमा है, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको ऊपर चढ़ने में सांस रुक जाती है, उन लोग को इसमें चढ़ना अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी उन लोग के लिए। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं कि हम नहीं आ सकते। पहले का स्टेप थोड़ा दिक्कत वाली थी, मतलब पहले का 1 घंटा थोड़ा हमको प्रॉब्लम हुई चढ़ने में, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे हाथ बहुत पकड़ के ऐसे आ गए। उस बीच में तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच वाली जो रोड है वहाँ पर उतना आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, थोड़ा गैप में स्टेप्स है, तो आप आराम से आ सकते हो। स्टार्टिंग का एंड का थोड़ा आपको प्रॉब्लम है, नहीं तो बीच में आप आराम से आ सकते हो। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग सिवर मेटली तरफ से जाना चाहते थे, जो भी अभी बंद है वहाँ पर टाइम आपको कम लगता है कम्पेयर टू ये प्लेस। प्लेस का टाइम ज़्यादा कम लगेगा, ये प्लेस का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्टेप्स इसका हाइट है, इसका स्टेप्स जैसे कि कम हाइट में है एंड 9 किलोमीटर से ज़्यादा है, एंड वो आपको 2-2.5 घंटा में आप कवर कर सकते हो। इसको कवर करने के लिए आपको 4 घंटा लगता है, और डिपेंड करता है कौन कितना स्पीड में चलता है। मैं तो 4 घंटा था, एंड मैं बहुत खुश हूँ इधर आने के बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि फाइनली मैं आ गई, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि मैं आ सकती हूँ। ये वो प्लेस है जहाँ पर भगवान का स्टैचू बनाया गया है, उसके बैक साइड में हम देखेंगे गार्डनिंग किया गया है। बहुत अच्छा प्लेस है, दिखने को भी बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि मंदिर के टेंपल के अंदर तो आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, जिसको जो फोटो खींचना है यहाँ पर सब लोग फोटो खींचते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बहुत फोटोग्राफी किए, बहुत सारा फोटो है जो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये है, ये प्लेस देखिए, यहाँ पर इतना अच्छा सजाया गया है ना, आपको दूर से बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड मतलब उस दिन भी बारिश थोड़ा कम हो रही थी, ज़्यादा बारिश नहीं था, क्लाइमेट अच्छा था, तो ज़्यादा घूम सको देख सको। देखिए कितना अच्छा, भगवान कितना सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड ये जो नेचर से उसको देखिए, प्लांट वगैरह को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग आ गए कल्याण कट्टा है, जहाँ पे हम लोग बाल समर्पित करेंगे भगवान के नाम पर। मेरे ससुर एंड मेरे बेटे को पहले हम लोग मुंडन कराने के लेकर आए, एंड देखिएगा वहाँ पर मैं भी मेरा बाल थोड़ा काट लिया भगवान के नाम पे। मेरी सास भी समर्पित कर
ओके 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 ये टेम्पल का नाइट व्यू है, देखिए मैं आप लोग को जो दिखा रही हूँ। जिसके हम लोग रात में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वो दर्शन बंद था, जैसे कि हम लोग को नहीं मालूम थी 6 बजे दर्शन क्लोज हो जाती है, इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर का, मैं सोचा कि बाहर थोड़ा शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए जब हम लोग एंट्री करते हैं लेफ्ट साइड में मनोप्रसाद सेवन का जो रहता है उसके लिए है। एंड जब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हम लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। राइट साइड को जाएंगे तो आपको उसके राइट में लड्डू काउंटर रहती है। अगर सोचिए आप लोग जब टेम्पल में दर्शन करने के लिए आते हैं, आपको कुछ मोबाइल फ़ोन है, कुछ लगेज है, अगर आप उसको लकर में जमा किए हैं तो आपको लेने के लिए ऊपर तक काउंटर में जाना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए रास्ते से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ज्वेलरी है। हम ये आउटसाइड जाके गेट के पास थोड़ा शूट करने के लिए कोशिश किए, क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ था। फिर कल हमारा दर्शन है
भगवान को पता नहीं, कल हम लोग को 12:30 को दर्शन है, लेकिन हम लोग सोच रहे कि 10:30 बजे तक घर से निकल जाएंगे। ये देखिए पुष्करणी उसका टेम्पल देखिए ऊपर में, जो भी ऊपर गोल्डन टेम्पल है, यहाँ से पहले से सब लोग स्नान करते थे, लेकिन आज अभी तो ये बंद है कोरोना के बाद जो बोला जाता है। हम लोग जाएंगे जाएंगे दुकान जाएंगे दुकान जाएंगे।